क्या रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि मुंबई इंडियंस जीते? क्या रोहित शर्मा की पारी में वो इंटेंट नहीं दिखा जो टीम को टारगेट पार करा सके? क्या रोहित शर्मा बस अपना शतक पूरा करने के लिए पारी के लास्ट तक खड़े रहे? ये तमाम बातें हैं जो अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, और कुछ लोग तो रोहित शर्मा की पारी को विराट कोहली की पारी से कंपेयर कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा अगर 50 रन 35 बॉल में मारते हैं तो अगला 50 15 से 20 बॉल में ही आ जाता है, लेकिन कल रोहित बाद में और स्लो हो गए। अब ये सब बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि एक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जितवा देगा, चाहे वो रोहित हो या विराट। जब सीएसके बड़ा स्कोर करती है तो उसके 3 से 4 प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं। रन चेस में उतरी इंडियंस के पावर प्ले के बाद लगातार विकेट गिरने लगे, इसलिए बाद में रोहित शर्मा को पारी संभालने देखना पड़ा। अगर वो भी ऐसा नहीं करते तो मुंबई इंडियंस का जो हार का मार्जिन 20 रन का दिख रहा है वो 50-60 रन का दिख रहा होता। दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।